छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता कवासी लखमा अपने अजीब बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। मोदी के बाद अब भगवान राम को लेकर भी मुखर हो गए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी के राज में भगवान राम भी अब सुरक्षित नहीं है। लखमा यहीं नहीं रुके और उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी के अयोध्या में मंदिर दर्शन करने के बयान को भी सही ठहराया। लखमा के इस बयान पर छत्तीसगढ़ में हंगामा उठा है, देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान राम आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन राजनीति में भी बार बार भगवान राम का नाम लिया जाता है। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में राम नाम की जमकर गूंज सुनाई दी, लेकिन एक बार फिर राम के नाम पर पाप पुण्य की सियासत शुरू हो चुकी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने अपने बयान में प्रभु श्री राम का नाम भी लिया, बल्कि ये भी कहा कि भगवान सुरक्षित नहीं है। राम मंदिर भगवान किया, भगवान सुरक्षित नहीं है, ये पापी लोग है। न भगवान को सुरक्षित रख सकते हैं, न गरीब को सुरक्षित रख सकते हैं, न लोकसभा को सुरक्षित कर रख सकते हैं। राम भगवान सुरक्षित नहीं है, फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में गए नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। कवासी लखमा ने ये बयान क्यों दिया वो समझिए। बीते दिनों अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से पानी टपकने के वीडियो सामने आए थे, जिस पर पहले भी खूब सियासत हुई थी। अब एक बार फिर कवासी लखमा ने इस पुराने मुद्दे को छेड़ते हुए ये बयान दे दिया है और नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में राहुल गांधी को मिले निमंत्रण में नहीं जाने को सही ठहराया है। वहीं राम मंदिर और नए लोकसभा भवन में पानी लीकेज पर भी तंज कसा है। ये सरकार कोंटा से लेके चिंता गुप्पा से लेके दिल्ली तक घोटाला घोटाला वाला सरकार है। जो आजादी पहले लोकसभा भवन बना वो सूरा है, सूर 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 पानी निकल रहा है, देश का आम आदमी देख रहा है। उसके बाद राम मंदिर जो बड़े बड़े डोंग मारे वो राम मंदिर चूरा है। कवासी लखमा का बयान सामने आने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कवासी लखमा की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उनका कहना गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता, भले ही उस कार्यक्रम में जाए नहीं जाए व्यक्ति पर निर्भर करता है। उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार अस्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है, किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता है। कि भारतीय जनता पार्टी के पाप के भागीदारी होना बने इसलिए राहुल गांधी नहीं गए। हकीकत है कि राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर किसी प्रकार की आस्था नहीं है, कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने एफिडेविट देकर कोर्ट में कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कवासी लखमा की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कवासी लखमा वो मंत्री हैं जो अक्सर अपने ऊल जलूल बयानों और हरकतों से चर्चा में रहते हैं। कवासी लखमा वो नेता हैं जो अपने काम और विकास की बातों से ज्यादा विवादित बयानों को लेकर ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं, और एक बार फिर उन्होंने राम का नाम लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री कवासी लखमा कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। उनके बयान कांग्रेस पार्टी के हित में कम, अपने आदिवासी समाज को खुश करने के लिए ज्यादा होते हैं। बीजेपी नेता कवासी के बयानों को हल्के में लेते हैं और अधिकतर हंसी में ही टाल देते हैं, मगर यही बयान चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं।